आज हम बनाने वाले हैं गर्मियों की खास रेसिपी कच्ची केरी का अचार, जिसे बनाएंगे हम साबुत मेथी के साथ, जो कि बहुत ही डिफरेंट और अलग टेस्ट देगा और खाने में बहुत मज़ेदार है और बनाना भी बहुत आसान है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कांताज रेसिपी। रेसिपी को ट्राई करें, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए कांताज रेसिपी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम जितना कच्चा आम, यानी जो केरी होती है अचार की, वो इसकी जो आई है वो हम रिमूव कर देंगे और इसको रफली टुकड़ों में काट देंगे। पीसेज आप अपने पसंद से छोटे बड़े कर सकते हैं, जिस तरह के भी आपको पसंद हो। इनको काटने के बाद हम इसको किसी बर्तन में ले लेंगे, बड़ा बर्तन लेना है और बर्तन एकदम साफ़ सुथरा और मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना साबुत मेथी। मेथी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट से बढ़ा भी सकते हैं। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच जितना सौंफ और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच जितना पीसी हुई मेथी, जो मेथी की दाल आती है वो। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच जितनी राई की दाल। ये पीली राई की दाल है, आप चाहे तो जो घर की सरसों होती है उसको भी पीसकर काम में ले सकते हैं। और फिर इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच जितना कलौंजी और आधा चम्मच जितनी डाल देंगे हल्दी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक 1 चम्मच भर के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 चम्मच भर के हम डाल देंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। किसी साफ़ सुथरे और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसको ढककर रख देना है करीबन 24 घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर जो केरी और मसाले हमने डाले हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और जो मेथी डाली है वो सॉफ्ट हो जाए। 24 घंटे बाद हम इसको चेक कर लेंगे और आप चम्मच का इस्तेमाल करें। अच्छे से पहले इसको मिक्स करें और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें। फिर मेथी को देखना है हमें, मेथी अच्छे से हमारी गल जानी चाहिए, इस तरह से दबा के चेक करना है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे। अब अचार में डालने के लिए हमें तेल को गर्म करना है, तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप जितना सरसों का तेल लिया है। इसके अंदर डाल देंगे हम लहसुन की कलियाँ कुछ। लहसुन की कलियाँ जब ब्राउन हो जाएगी तब गैस को बंद कर देंगे। और सरसों का तेल ही लें, इससे अचार बहुत अच्छा बनेगा और थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगा। तेल जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसमें हींग डालेंगे और तेल को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तेल बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसके अंदर जो हमने लहसुन की कलियाँ डाली है वो हमें बाहर निकाल देनी है, वो हमें अचार में नहीं डालनी है। फिर जो अचार हमने तैयार किया है वो बोतल में डाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे ऑयल को, और ये तैयार हो गया हमारा अचार। आपको ध्यान रखना है बोतल जो है एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, एकदम सूखी होनी चाहिए, धूप में सुखाई हुई, या फिर आप चाहे तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं धोने के बाद, और उसके बाद अचार डालना है। तो ये तैयार हो गया मारवाड़ी स्टाइल का केरी और मेथी का अचार, जिसे बनाना बहुत आसान है और आप चाहें तो इसको साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें, अचार को साफ़ सुथरे कंटेनर में स्टोर करें और जब इसको स्टोर करने के बाद जो भी चम्मच वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं या बनाते वक्त जो चम्मच इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी तरह की गंदगी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को। मिलते हैं इसी तरह की बढ़िया और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।